हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। और गाइस, आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज नहाए खाए है और आज से ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है और आज से लेकर 4 दिनों तक ये महापर्व मनाया जाता है। तो अभी मैं हूँ रोशन घाट पर और आज जो मैं आपको अपडेट दिखाने वाला हूँ वो पटना के तमाम घाटों का क्या हाल है वो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं अभी हूँ रोशन घाट पर और यहाँ से लेकर NIT घाट, कृष्णा घाट और महेंद्रू घाट तक मैं आपको लेके जाऊँगा और वहाँ पे क्या स्थिति है घाट की, कितनी तैयारियाँ की गई हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि गंगा का वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो क्या स्थिति है यहाँ की और क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस रोशन घाट से और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हाल है यहाँ रोशन घाट का। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो सामने ये रहा रोशन घाट और यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घाटों को अभी तैयार किया जा रहा है। पानी भी आप देख सकते हैं गंगा का काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो हर बार की तरह इस बार आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गाइज, अभी आपने देखा रोशन घाट का हाल और आगे गुलवी घाट से लेकर NIT तक क्या हाल है घाटों का, आइए वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। और गाइज, ये रहा घाघा घाट और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तैयारियाँ यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। और घाटों की बात करूँ तो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है जहाँ पर लोग छठ करने भी आ सकते हैं और अभी मिट्टी वगैरह फिल करने का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पर कीचड़ काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ से भी आगे चलता हूँ मैं आपको लेकर और आगे घाटों का क्या हाल है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। गाइज, ये रहा रानी घाट, यहाँ भी आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ लगे हुए हैं काम को पूरा करवाने में। यहाँ आप देख सकते हैं तैयारी भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और अभी यहाँ पर सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है। घाट भी यहाँ पूरी तरह से सजा दिए गए हैं और अगर मैं पूरे घाटों की बात करूँ तो ऐसे कोई भी घाट आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे छठ ना हो रहा हो। करीब करीब सारे घाटों पर आपको तैयारियां यहां देखने को मिल जाएंगी तो आप बेफिक्र होकर पटना के किसी भी घाट पर आ सकते हैं। हां, कुछ घाटों पर आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो चलिए अब यहां रानी घाट से आगे बढ़ते हैं NIT घाट की तरफ और देख लेते हैं उधर का भी क्या हाल है। रानी घाट से आगे बढ़ने के बाद आपको छोटे छोटे एक दो घाट और देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आगे सबसे प्यारा और काफ़ी सुंदर घाट है वो घाट है बरहरवा घाट। और इस घाट की मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हो यहां पर काफ़ी अच्छे ढंग से इसे सजाया गया है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी यहां आपको देखने को मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पर जो मधुबनी पेंटिंग जो की जा रही है यहाँ पर वो घाट को और ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लुक दे रहा है। तो आइए मैं आपको यहाँ पर बनाए जा रहे मधुबनी पेंटिंग की कुछ झलकें दिखा देता हूँ। Thank you.
गाइस फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं गांधी घाट के पास। तो आइए यहां पर क्या कुछ तैयारियां की गई है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूं। तो गाइस अभी मैं आ गया हूं गांधी घाट पर और यहां पे क्या अपडेट है, यहां छठ पूजा की क्या तैयारियां चल रही हैं, आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी क्या कुछ काम चल रहा है यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको NDRF की कंट्रोल रूम मिल जाएगी और यहाँ पर से ऑपरेट किया जा रहा है तमाम घाटों को। और साथ ही इस साइड आप एम्बुलेंस की भी सुविधा देख सकते हो, यहाँ पर कुछ एम्बुलेंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर अब देख लेते हैं कि घाटों का क्या हाल है, कितनी तैयारियाँ यहाँ पर कर ली गई हैं, आइए चलते हैं घाट की तरफ। तो गाइज़ यहाँ पर NDRF टीम की तरफ से मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, आप देख सकते हो, यानी किसी भी तरह की इमरजेंसी अगर होती है तो यहाँ आकर आप अपना इलाज भी करवा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको घाट का भी हाल दिखा देता हूँ। गाइज यहाँ आप देख सकते हो ये रहा कृष्णा घाट का हाल, पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है और दो तीन सीढ़ियाँ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जो पानी से ऊपर है। तो इधर आप NIT घाट से कृष्णा घाट की तरफ महेंद्रू की तरफ जाइएगा तो गंगा का वाटर लेवल आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल आप छठ यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर चेंजिंग रूम भी देखने को मिल जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ आपको सारे घाट पर देखने को मिलेगी। गांधी घाट की बात करूं या कृष्णा घाट की, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है तो उस हिसाब से आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा अगर आप कृष्णा घाट पे आ रहे हैं तो। बाकी आगे भी मैं आपको एक दो घाट और दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो चलिए फिर चलते हैं। और गाइस यहाँ जो पेंटिंग बनाई जा रही है उसकी मैं क्या ही बात करूँ, क्या ज़बरदस्त लुक दे रहा है ये पूरे घाट को। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंटिंग आप यहाँ देख रहे हैं इसे मधुबनी से आए हुए पेंटर्स के द्वारा बनाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि इसे पूरे घाट पर बनाया जा रहा है। अभी मैं कृष्णा घाट से कदम घाट की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही है और ये यार ये घाट को एक अलग ही रौनक दे रहा है, सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप यहाँ पर जब आएंगे तो आप यहाँ पर सेल्फी वगैरह भी ले सकते हैं। और यहाँ जो आप पेंटिंग देख रहे हैं इस तरह की पेंटिंग पूरे घाट पर बनाई जा रही है और तरह तरह की आपको यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, चाहे वो भगवान की हो, जानवरों की हो या फिर अभी जो छठ पर्व चल रहा है उसकी भी झलकियाँ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। और गाइज ये रहा कदम घाट, यहाँ पर भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं।
और ये रहा दरभंगा हाउस काली घाट, और यहाँ पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहाँ की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फाइनली ये रहा बंसी घाट, और अब आपको मैं यहाँ का भी अपडेट दिखा देता हूँ। तो फिलहाल ये था रोशन घाट से लेकर बंसी घाट तक का अपडेट। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि आप से घाट पर आना प्रेफर कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक नई जगह की अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।